ચાલો સુરત પણ ફેની ઠીક અચ્છા બોલાને કરી દઉં ક્યા નરેશભાઈ ચાય પીઓગે હા ચાય પીએંગે થોડી બહોત થોડી લિટલ 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 જ્યાદા નહીં પીના હે ના લિટલ લિટલ પીના ચાય હા વો ભી બોલા ધવલ ભાઈ ઓર દોસ્તો આજ મે આયા હું આનંદ મે હે વ્યુઅર્સ હોપ યુ ઓલ આર ડુઇંગ એબ્સોલ્યુટલી ગ્રેટ ઓર આજ બડે દિનો બાદ બ્લોગિંગ કર રહે હે क्योंकि बहुत ही मतलब बीमार बीमार थे, थोड़े मसले में पड़े हुए थे 4-5 दिन से, तो हाँ एडमिट भी होना पड़ा था, जैसे कि आप लोगों ने प्रतीक भाई और वहाँ के ब्लॉग में देख लिया होगा। तो आज मस्त एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं वापस, और आज हमें जाना है सूरत। नरेश भाई पहुँच चुके हैं, हालांकि नरेश भाई तो अपने कुछ और काम से आए थे, पर साथ साथ में क्या मेरा भी हो गया है जुगाड़, तो मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ ही। मतलब पहले क्या था, मेरे को कोई लेने आने वाला था रात को ही, पर रात को ही नरेश भाई का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मैं उनको वो भाई को मना कर देता हूँ कि आप मत आओ लेने के लिए। अभी क्या नरेश भाई आ चुके हैं, तो अभी उनके साथ ही निकल जाते हैं। और नरेश भाई के साथ आ गए हैं अपने एक फ्रेंड, क्या भाई कैसा है? बढ़िया है ना? बढ़िया देखिए, अभी थोड़ी देर में मिलवाता हूँ नरेश भाई से। अभी क्या सुबह सुबह में उठ गए हैं, और क्या अभी ही सबके फोन वोन आने शुरू हो चुके हैं, तो क्या थोड़ा दिक्कत में लग रहा है, पर अभी देखते हैं क्या होता है। बोल भाई, इनको क्या कोई नहीं बोलता? अपने भाई है, जाने देना है। क्या नरेश भाई आपका कुछ कहना है? मुझे धवल भाई ने डांट दिया सुबह से। क्यों? तो आपके काम ही ऐसे, तो भी डांट ही देंगे ना यार। क्या ये भाई को है ना कॉल फॉरवर्डिंग करना नहीं आता है, तो अभी देखो धवल भाई सिखा रहे हैं कि कैसे कॉल फॉरवर्डिंग करना। 9-0-5-4-3। तो भाई इतने मैं लिखू इंग्लिश में, पण હવે ઇંગ્લિશ ભાષા એ સપોર્ટ નથી કરતું, મને લાગે ચાઇનીઝ ભાષા સપોર્ટ કરે છે ફોન। હવે હું નહી બોલું, હવે તમારા ઓલું કરવું તો કરજો। और बोलो, और बोलो नरेश भाई। ओ धवल भाई, धवल भाई इधर इधर इधर, धवल भाई क्या कपड़े लेने के लिए नहीं आ रहे हो आप? नरेश भाई सोच रहे हैं क्या करूं। क्या भाई नरेश भाई, उसमें सोचना क्या है यार, क्यों पर मना क्यों कर रहे हो? मैं दो जोड़ी कपड़ा लोगों के पास मांगता हूँ, धवल भाई मेरे पास मांग। क्या यार धवल भाई, यार नरेश भाई का पैंट पे गौर करो, देखो पैंट तो मैंने देखा स्पाइकर का है, 8,000 का पैंट है, शर्ट भी उनका ऐसा है, 3,000 का शर्ट है, 11,000 की जोड़ी, मैंने बोला 2,000 की चार जोड़ी मिली, चार जोड़ी मार्केट में अफवाह फैला के मेरे। नहीं 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 नहीं, धवल भाई तो आज तो आपका आपके कपड़े का सेटिंग नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं करेंगे ना, बताता हूँ दोस्ती मत करो, ऐसा होता है ना, फिर शर्म शर्म में फिर क्या है, सब छोड़ना पड़ता है। कोई नहीं, चलो तो फिर निकलते हैं, बदनाम करने की कोशिश। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग मस्त एकदम तैयार हो चुके हैं, मार्केट में उपड़ी जाए ने तारे लोग तमने बदनाम करवानी साजिश करे, એટલે આ જોઈ લેજો એક મારી હારે આવી સાજી। તો અભી અભી મસ્ત એકદમ ખાના પીના મસ્ત હો ચુકા હે, તૈયાર હો ચુકા હે ભાઈ, 2 મિનિટ એસી બંધ રાખો ના યાર। તો દેખો યે ભાઈ કો કે અભી બહોત ગરમી હો રહી હે, હાલાકે મુજે ભી બહોત હી ગરમી હો રહી હે, તો ફટાફટ અભી નિકલતે હે સુરત કે લે, બરોડા મે થોડા બહોત કામ હે વો નિપટાના હે, તો કે થોડા બહોત લેટ હો સકતા હે, બજ રહે હે યહી કહીં 11:30-12 કે આસપાસ। યે નરેશ ભાઈ કો કે થોડા બહોત ભૂખ લગા થા, તો ઉનકો કે ખાના વાના ઇધર શેલ્ટર પર હો ગયા। ચલો છોટુ મિલતે હે ના ભાઈ, હેપી દિવાળી, ગુડ મોર્નિંગ। तो दोस्तों अभी अभी हमारा सारा काम हम लोगों ने निपटा लिया है, और अभी हम लोग निकल चुके हैं सूरत के लिए, बरोड़ा में मस्त एकदम काम निपटा, बज रहे हैं यही कहीं 1:30-2। और दोस्तों यार गर्मी बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हालत खराब ही है, पर कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत सह लेंगे। और ये देखो ये एसी है ना इको का, वो बहुत ही आवाज कर रहा है, देखो ऐसे वो प्लेन चलता है ना, प्लेन ऐसा आवाज आता है इसके एसी में, तो पता नहीं ब्लोअर क्या उसका कुछ खराबी है, अपने नरेश भाई चलाते ये वाला इको, तो वही उसका देख रेख करते हैं, पर अभी पता नहीं थोड़ा बहुत क्या ऊंच नीच हो गया है देख रेख में, पर
कोई बात नहीं, अभी सह लेंगे। सूरत तक का ही रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है, यहीं कहीं 140 किलोमीटर अभी बाकी है, तो बस पहुंचते हैं सीधा सूरत के लिए। अभी तो शायद ही कहां पर स्टॉप होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा स्टॉप हो गया है यहां पर, काम का थोड़ा बहुत निपटा लिया है, देखिए आगे फिर क्या होता है। तो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं सीएनजी डलवाने के लिए, सीएनजी खत्म हो चुका था, तो नरेश भाई बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर ही डलवा देते, क्या है फिर खाली फोकट बीच में खड़ा रखने का ये वो, तो क्या अपने लेन में ही आ रहा था लेफ्ट साइड के ऊपर, मरना पड़े गाड़ी का, चलो तीन दिन से बीमार भी है, दिक्कत होता है ना थोड़ा बहुत, तो फिर उससे अच्छा क्या नरेश भाई बोलते डलवा लेते, बोला ठीक है चलो डलवा लेते, डलवा रहे फिर क्यों डोना करने का है ना, ठीक है चलो डलवा लेते, चलो यार मैं दे देता हूँ, बस यार छोटी छोटी बातें मत कर दो यार, छोटी छोटी कहाँ है, 300-400-500 रुपए की बात, पर फिर भी वो ऐसे तो छोटी हो गई ना यार, कोई बात नहीं दादा चलो डाल दो, ठीक है चलो कर लो आपने तो हूँ भाई कोकनी मालिक, मौत हो तो लई लेवानो, जीवन में ये भी वस्तु याद रखवानो, એમ કેવાય છે કે લેખ મે જ્યારે સાઇન કરવા આવે ને તે મોઢું ધોવા ન જવાય, નહીં નહીં બરાબર સહી વાત છે, એકદમ બઢિયા વાત, કારણ કે સમય સમય બલવાન નથી પુરુષ, બલવાન કાબે અર્જુન લૂટ્યો હોય, વાહ વાહ વાહ, એટલે આવી તો અવાર નવાર બહુ બધી કવિતાઓ છે, કેવા બેસું તો દિવસ ટૂંકા પડે, રાત ટૂંકી પડે, પણ કેવાય ને કે જયારે માનવ મેરામણ ભેગું હોય અને લાડ બધું પબ્લિક હોય તો આપડે કેવું હોય તો શું કેવાનું, જય શ્રી કૃષ્ણ, તો ચાલે દોસ્તો જય શ્રી કૃષ્ણ। बरोबर, तो ये वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है तक्षशिला बिल्डिंग, यहाँ पर मैं रुका था, मतलब 2 महीने के लिए मैं वहाँ पर मतलब ठहरा हुआ था, क्योंकि क्या मेरा इधर इंटर्नशिप चल रहा था दहेज में, और अभी हम लोग पहुँच गए नर्मदा मैया वाले ब्रिज के ऊपर, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे शेयर करने के लिए मैंने वो वाला सीन आपको दिखाया कि मैं उधर रुका हुआ था जब 2 महीने, तब मेरा उधर का इंटर्नशिप था और उसका काम चलता था और मेरी शिफ्ट और ये सब चलती थी, और कंपनी में मेरा जॉब वॉब लगा हुआ था 2 महीने के लिए, मतलब इंटर्नशिप जैसा था, प्रॉपर जॉब नहीं बोल सकते उसे, और मतलब अभी जब मेरा बीएससी खत्म हुआ तभी मेरा ये 2 महीने के लिए लगा हुआ था भाई, बहुत मतलब क्या बहुत ही टफ रहता है कंपनी वालों के लिए, मतलब वो सुबह में उठ के जाना आना करना, तो वो वाला लाइफ भी क्या मैंने थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब बहुत ही दिक्कत वाला लाइफ होता था, पर अब देखिए अभी मस्त एकदम चिल मारते मारते जा रहे हैं अभी तो सूरत, पर हाँ वो भी क्या मैं थोड़ा बहुत आपको शेयर करना चाह रहा था कि हाँ मैं उधर ठहरा हुआ था 2 महीने, पर कोई बात नहीं, समय समय का काम करता है, कल बुरा था आज अच्छा है, आगे क्या पता और भी अच्छा आएगा, पर मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को, मैं यही बोल रहा हूँ ना नरेश भाई, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान एक ही जगह पे सड़ जाता है, तो मैं भी ठहरा नहीं, मैंने भी फिर वहाँ से अपना इंटर्नशिप खत्म किया, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में आपको क्या पूरा मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि क्या क्या मास्टर्स है, क्या अपने कोर्स है, मैंने फील्ड भी चेंज किया, दिक्कतें भी बहुत आई, जब तक मैं आप मतलब ऐसे पहला इंटरनल एग्जाम था तब मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई, पर कोई बात नहीं, ऐसे जैसे जैसे करके अभी तो क्या टैकल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश जारी है, जैसे कि नरेश भाई ने बोला कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान एक ही जगह पे सड़ जाता है, तो अभी हम तो सड़ने का मतलब क्या ऐसा निश्चय कुछ ऐसा ठाना नहीं है, तो क्या हम तो आगे बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे, और बढ़ते बढ़ते अभी सूरत भी पहुंच जाएंगे, क्या हुआ है और आगे योगी भाई के लिए आगे मेरे लिए नहीं आपके लिए सारी गाड़ियां बुलवाया, देखिए नरेश भाई के लिए क्या ऐसे एस्कॉर्ट पूरा बुलवाया है, 6-7 स्कॉर्पियो वॉर्पियो आगे जा रही है, तो क्या था नरेश भाई को भी मजा आ रहा है, अपना इलाका अलग है, हाँ अपना इलाका अलग है, सब मेरे को प्रोटेक्शन देने, नहीं नहीं सही बात है, सही बात है भाई, होना चाहिए ऐसा, सब क्या सेलिब्रिटी लोगों के लिए, पर पीछे नहीं दिख, पीछे दिख नहीं दिखेगा नहीं, वो क्या अभी मेरे पास 11 है यार, आप सबके पास वो थोड़ा बहुत क्या ऐसे नहीं दिखेगा मेरे में, आप समझो यार गरीब लोग है यार नहीं दिखता इतना, आगे वाले ब्लॉक में भी देखा होगा आपके योगी भाई के, आगे हाँ ब्लॉक में भी देखा होगा, आगे भी हमने मंगवाया था, हाँ ऐसे जब मैं बाहर जाता हूँ तो ऐसे काफला मंगवा लेता हूँ, हाँ थोड़ा जोखिम रहता है, अगर वो वाला ब्लॉक दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वो वाला ब्लॉग भी देख सकते हो ना नरेश भाई, पूरे सूरत में मेरे को कैसे एस्कॉर्ट किया था, एस्कॉर्ट किया था, और अभी गर्मी हो रही है गर्मी बहुत गर्मी हो रही है, अभी एसी चालू करते हैं, ये थोड़ी देर के लिए क्या मैंने बंद किया था, आवाज बहुत आ रहा है दोस्तों, पर कोई बात नहीं आगे बढ़ रहे मजा आ रहा है, अभी देख सकते हो दोस्तों बहुत ही पूरे ट्रैफिक के अंदर फंस चुके हैं ये नरेश भाई की वजह से, उन्होंने ऐसे निकाली ली, मैं बोल रहा था कि ये वाला सर्विस रोड से अपन चलते हैं थोड़ा बहुत तो आगे जाके रुकते, पर पता नहीं उनको क्या चुल मचा हुआ था ना, ऐसे गाड़ी चला ही रहे थे, घुसा ही रहे थे, तो घुसा दी, अभी पिछले आधे घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं,
अभी देखते हैं आगे कितने घंटे फंसना पड़ता है। नरेंद्र भाई क्या किया अब आपने? मैंने क्या किया, वो तो रोड था तो वो रोड में थोड़ी ना हाईवे पे गाड़ी चलानी, ऐसा नहीं है वो सर्विस रोड अभी आप ले सकते हो कभी कभार, ऐसा कुछ नहीं है कि हाईवे पे ही चलाना है, ऐसा कि मैं ऐसा टैक्स पेयर हूँ तो मेरे को हाईवे पे ही चलाना है, ऐसा किधर लिखा हुआ नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है, अभी हो गया खत्म, उसमें क्या अगर कुछ बंद होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं अभी यार। पर अभी एक आध घंटे का तो वो होगा ना, पर कोई बात नहीं, अभी फंस गए तो अभी फंस ही जाते हैं। एक दो घंटे में कौन से मिनिस्टर बनता है? हाँ हाँ वो तो है, वो आपको क्या है वो काम तो होता है नहीं, बस ना अभी 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 आ गया ना, अभी क्या बोलेंगे अब बताइए। कोई बात नहीं, अरे पर तो अभी है सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति जब अपने हाथ में न हो तो परिस्थिति के अनुकूल हो जाओ। पर कितना अनुकूल, ऐसे गलतियां करके अनुकूल फिर कितना हो सकता है इंसान, इसमें कौन सी बड़ी बात तो है? मैं मतलब वो वाला अगर आप रोड ले लेते दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो ये सर्विस रोड है और ये अपना हाईवे है और ये अंकलेश्वर का ब्रिज आ गया है, खड़े हुए अंकलेश्वर के अंदर, और कोई बात नहीं अब गलती है, अब इंसान क्या है खुद की गलती स्वीकार लेना तो उसके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाती है। अनुकूल होना ना होना वो सब तो ठीक है, सेकेंडरी चीज होती है, पर अगर इंसान अपनी गलती को भी ऐसा एक्सेप्ट करना सीख जाए ना तो भी बहुत आगे बढ़ता है। पर कोई बात नहीं अभी तो गलती एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो क्या फंसे हुए हैं, थोड़ा फंसेंगे और अभी निकलते हैं सोच के लिए, अभी पहुंच गया है। अरे है ही ना, वो तो अभी हुई ना तो अभी अब तक तो अपन निकल भी गए होते। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है, पर कोई बात नहीं अभी फंसे हुए हैं, निकलते हैं, अंकलेश्वर तक तो पहुंच गए तो ऐसे क्या है पहुंच जाएंगे सूरत तक। चुके हैं सूरत वाले टोल प्लाजा पर, और यहाँ के टोल प्लाजा पर क्या होता है पता है, मतलब जो GJ5 वाली जो गाड़ियाँ होती है ना उसका टोल ये लोग नहीं लेते हैं, पर क्या कट जाता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फास्टैग है उसके ऊपर है ना स्टिकर चढ़ा रहा हूँ, देखिए ऐसे, तो क्या पैसा वैसा है ना अपना कटे नहीं, क्योंकि फिर वो क्या होता है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है और वो है ना काट लेता है रुपए, तो फिर उसके अंदर क्या पैसे पॉकेट में कटते रहते हैं अपने। तो चलिए स्टिकर विकर मस्त एकदम लग चुका है और अभी चलते हैं आगे। वो ट्रक वाले भैया आ गए थे क्या बीच में क्या आगे लोग, उसका बड़ा वो है ना कुछ, अच्छा उसकी वजह से, कोई बात नहीं। देखो अभी स्टिकर तो लगा है दोस्तों, जुगाड़ मस्त किया है, अभी देखते हैं पैसे कटते कि नहीं कटते। यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पैसे कट जाते हैं, और ना यहाँ पर जो मतलब GJ5 वाली जितनी भी RTO रजिस्ट्रेशन गाड़ी है 5 वाली उसको फ्री में जाने देते हैं, पर नरेश भाई बोल रहे हैं यहाँ पर फिर भी काटते हैं फास्टैग होता है ना, तो मैंने सोचा ऐसा स्टिकर विकर का कुछ जुगाड़ करते हैं। देखिए अभी तो किया है, अभी देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। निकल तो चुके हैं, देखते अभी टोल कटा के नहीं कटा, वो अभी मैसेज मेरे में नहीं आया, नहीं आया डायरेक्ट फॉरवर्ड बैक के पास जाता है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कटा है क्योंकि वो क्या अचानक ही ऊपर ऐसे हो गया है, मतलब खुल गया था उसका पूरा जो दरवाजा था वो, तो अभी लग तो रहा है कि नहीं कटा है, अपना जुगाड़ मस्त एकदम काम कर गया है। तो अगर यहाँ से कोई भी आ रहा है तो उनको भी मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि आपके पास वो बोतल रहती है तो उसका क्या थोड़ा स्टिकर रहता है ना, तो वो उधर लगा दीजिए, वरना ये लोग जो अगर GJ5 वाली गाड़ी होती है उनका भी ये लोग टोल काट देते हैं। हाँ बाकी सबको तो पे करना ही पड़ता है, पर GJ5 वाले अगर आ रहे हैं तो वो लोग खास ध्यान रखें इस बात ये वाले टोल के ऊपर, कामरेज वाले टोल के ऊपर। नजर का कुरूर है एक हरा एक कुरकुरिया मुझे खिला दिया, એટલે હવે સુરતમાં મેં એન્ટ્રી થઈ જાય છે ને, સુરતની હવા કહેવાય છે કે રોગી માણસને નિરોગી કરી દે તેવી સુરતની હવાની અંદર અમે આવી ગયા છીએ, અને આટલો મસ્તીનો ઠંડો પવન આવે છે, એકચ્યુઅલી તમને વાત કરતા વાર લાગે પણ ટૂંકમાં વાત કરવી હોય તો તમે જાણે હિમાલયમાં હોય એવો ઠંડો પવન, હમણાં વાતાવરણ એવું છે વરસાદ જેવું તો મજા આવે છે, તો એટલે દરવાજા ખોલી નાખ્યા છે, બારી ખોલી નાખ્યા છે, કેમ કે એસી તો અમારી કામ કરતી છે નહીં, એટલે પછી શું કરે બિચારો ગરમી થઈ જશે। तो अभी जो अपने जो पीछे वाले जो भाई बैठे हैं वो एकदम कंटाल चुके हैं, मतलब बहुत ही बोर हो गए हैं एकदम बढ़िया वाले, तो वो बोल
जो है कि उनको मैकडी में जाना है, तो अभी यहाँ पर क्या कामरेज वाला मैकडी है उधर शायद जाएंगे, है ना भाई? बहुत भूख लगी और भाई मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे क्या परेशान हो चुके हैं पीछे गर्मी धूल मिट्टी और उन सब चीज़ों से, तो अभी शायद मैकडी के ऊपर छोटा सा एक होल्ड लेंगे फिर सीधा सूरत पहुँच ही गए बस अब तो, और अब सीधा सूरत ही आएगा। अभी हम मस्त एकदम अपना खाना पीना हो चुका है, अभी जा रहे हैं सीधा घर पर। और ये भाई ने अपना मस्त एकदम मैक वैक का क्या वो मंगवा दिया था भाई, क्या करूं? वो मैक लगती है तो लेना पड़ता है। नहीं नहीं वो तो बढ़िया है, पर क्या मंगवाया था वो पूछ रहा हूँ। अरे वो कॉम्बो था मैकडी का। अरे एकदम मस्त कॉम्बो था भाई ने, एकदम जुगाड़ उगाड़ किया सबके फोन में, एप्लीकेशन डाउनलोड करके। खैर अपन ने तो इतना खाया नहीं है, तो ये वाले व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। इसका एंड करने का समय आ चुका है, क्योंकि क्या अब घर पे जाना है, सब काम जाना है, सामान वामान बहुत है। फिर नरेश भाई मेरे को छोड़ के फिर वो अपने काम के अंदर लग जाएंगे, तो अभी मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर इसी तरह। सो डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऐसे हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।